हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है? आज की वीडियो होने वाली है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट ऑन द प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ऑफिशियल वेबसाइट। भारतीय जन औषधि परियोजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें फार्मासिस्ट की फ्री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी न्यूज आई है, जो कि सभी फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज है, क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरी इस वीडियो से मिल जाएगा। तो बिना किसी डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं कि ये क्यों इनिशिएटिव लिया गया, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। सबसे पहले जैसे कि आप देख ही रहे हो, सबसे पहले ऊपर क्या है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। मैं कुछ एक दो वीडियोस या दो या तीन वीडियोस जो मैंने और बनाई हैं भारतीय जन औषधि परियोजना जन औषधि सेंटर के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि जो जन औषधि केंद्र जो जगह जगह ओपन हुए हैं उनको हैंडल करती है। ठीक है, तो उनकी तरफ से 4 जनवरी 2024 को, ठीक है, डॉक्टर मोंटू पटेल जो कि पीसीआई के प्रेसिडेंट है, उनको एक नोटिफिकेशन या एक एप्लीकेशन और एक रिक्वेस्ट भेजी गई। तो उसके बारे में है, उस रिक्वेस्ट का मेन सब्जेक्ट क्या है? उसका मेन सब्जेक्ट है फार्मासिस्ट की फ्री रजिस्ट्रेशन कहां पे, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसका सब्जेक्ट है। पहले उन्होंने उसे थोड़ा सा बताया उसके बारे में कि सर हम क्यों इसके बारे में सोच रहे हैं, क्यों इसका इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या सारे पॉइंट्स जो हैं हम थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कि उन्होंने पहले बताया है कि जो कि भारतीय जन औषधि परियोजना, इसकी हिस्ट्री की मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। उन्होंने एट प्रेजेंट बताया है कि अभी तक 10,000 जन औषधि केंद्र पूरी कंट्री में खोले जा चुके हैं, जहां पे नंबर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल डिवाइसेस जो हैं वो सप्लाई की जा रही हैं, और बहुत ही कम रेट पे एज कम्पेयर टू द मार्केट में जो भी ब्रांडेड मेडिसिन चल रही हैं। इसके अलावा मैंने एक भी वीडियो बनाई थी कि कई लोगों के दिमाग में ये भी डाउट रहता है कि जो जन औषधि केंद्र में दवाइयां बेची जाती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो इतने अच्छे सप्लायर से नहीं मंगवाई जाती हैं। पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी मेडिसिन जो भी इन जन औषधि केंद्र में बेची जा रही हैं वो मेडिसिन जो हैं या जो भी यहाँ पे रखी जा रही हैं वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले सप्लायर से ही मंगवाई जा रही हैं, ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी रहे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पे जो भी ड्रग का जो भी बैच है, जो नॉट ओनली उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे तरीके से की जा रही है पर उसको टेस्ट करके ही मार्केट में रिलीज किया जा रहा है, और कौन सी NABL, दैट इज अ वेरी स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। इन व्यू ऑफ द अबव और इस चीज को और इंफेसाइजिस करने के लिए, मतलब कि और ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलने का इनका प्लान है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का यही विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर सेवा भी रोजगार भी, मतलब हम जन औषधि केंद्र से लोगों की सेवा भी करेंगे और फार्मासिस्ट को और रोजगार देने का भी प्लान है। मैं अपनी वीडियो में बता भी चुका हूं कि कौन कौन ओपन कर सकता है, कोई भी NGO, कोई भी प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी खोल सकता है। शर्त क्या है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहां पे हर टाइम प्रेजेंट रहना चाहिए। तीसरे चौथे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि अभी तक कितने खोले जा चुके हैं, कितना रीइंबर्समेंट, कितना इंसेंटिव मिलता है, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख लेना। और एक और उन्होंने यहाँ पे पॉइंट रखा है, थर्ड पॉइंट जो की है कि PMPI जो कि फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उनको बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही है जन औषधि केंद्र करने के लिए फ्रॉम पैन इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, फ्रॉम द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की तरफ से। ठीक है, और कुछ को अप्रूवल मिल भी चुका है, यहाँ पे नंबर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए इस ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई, जो हमारा मेन मुद्दा है। PMB ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम फार्मासीज की फ्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो भी फार्मासीज अपने स्टेट में रजिस्टर हो चुका है वो तो मैंडेटरी होता ही होता है, बट वो PMBA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अपने आप को फ्री रजिस्टर्ड करवा सकता है। उससे फायदा क्या है, बेनिफिट क्या होगा, फार्मासीज का बेनिफिट होगा, उसको कनेक्शन मिलेगा टू कनेक्ट द कीन फार्मासीज विद प्रोस्पेक्टिव प्राइमरी एग्रीकल्चर
सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी एंड जो भी अदर एप्लीकेंट हैं जो पहले से जनौसी के अंदर चला रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो उससे क्या हुआ कि क्या पता कि वो फार्मासिस्ट के दिमाग में भी ये चीज आई कि यार यहाँ तो बेनिफिट ही बहुत है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो फार्मासिस्ट खुद भी जो वो वहां पे कनेक्ट हो गया, वो उन लोगों के साथ कनेक्ट हो गया जो पहले से जनऔषधि केंद्र चला रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारी क्लैरिटी मिलेगी और वो भी फ्यूचर में एक प्राउड फार्मासिस्ट ऑफ जनऔषधि केंद्र बनने के बारे में सोच सकता है। सो इसी चीजों को सोचते हुए ही पीएमबीआई ने जो है पीसीआई के प्रेसिडेंट को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि आप सभी कॉलेजेस को एक नोटिस और एक डायरेक्शन दी जाए कि आप अपने जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो रजिस्टर्ड फ्रेशली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको बोला जाए कि आप पीएमबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने आप को जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे क्या हुआ कि वो जो भी इंटरेक्शन है वो पहले बता दिया कि उनकी इंटरेक्शन बढ़ेगी और उन्होंने साइट भी मेंशन कर दी है jnosti.government.in। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है, ये बहुत जानना जरूरी है कि फ्री रजिस्ट्रेशन कोई जॉब ऑफर नहीं है, बट ओनली फैसिलिटेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेंट टू कनेक्ट विद द एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले ही बताया कि जो पहले से चला रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। सो सच फार्मासिस्ट कैन सेपरेटली अप्लाई फॉर ओपनिंग ए न्यू, अगर कोई न्यू जनऔषधि केंद्र खोलना चाहता है तो वो इस लिंक पे जाके अप्लाई भी कर सकता है। मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो बना दूंगा जहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम भी जनऔषधि केंद्र नया खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें पॉइंट्स में बताई गई हैं, क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं कि चलो मैंने ये बता दिया कि क्या नोटिस था, क्या उसके मेन पॉइंट्स थे। अब बात कर लेते हैं कि यार कैसे कर सकते हैं। साइट तो उन्होंने मेंशन की थी, ये साइट है jnosti.government.in, नोट कर लीजिएगा, ओपन कीजिए, गो टू द होम पेज। यहाँ पे होम पेज ऑप्शन आती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीएमबीआई। होम पेज पे जाएंगे हम तो ये पेज खुल जाता है। इस पेज को खुलने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है फार्मासिस्ट रजिस्टर गियर, न्यू पे क्लिक कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे खुल जाएगा, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ओके, तो फार्मासिस्ट रजिस्टर न्यू पे जब हम कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है फार्मासिस्ट कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एंड अवेल द पोर्टल सर्विसेज हियर। तो यहाँ पे 6-7 ऑप्शन है, फुल नेम, मोबाइल नेम, ईमेल आईडी, रजिस्टर अंडर स्टेट, कौन से स्टेट में आपकी रजिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, आपको पिन कोड बताना है जो भी है, और ये टेक्स्ट एंटर कर देना है। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी फ्यू स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस। तो आई थिंक जो भी न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हुए हैं, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है अपने स्टेट के अंदर, वो इसको जरूर फिल करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।